नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस्टा चैनल में नेटवर्क या फिर नेटवर्क की। या कंप्यूटर नेटवर्क इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और एंड अदर रिलेटेड डिवाइसेस जो आपस में सिंक होकर वर्क करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक सर्वर एंड दूसरा होता है क्लाइंट एंड। सर्वर एंड सेंट्रली सारा इंफॉर्मेशन को, सारा डेटा को स्टोर करता है और मैनेज करता है, और जो क्लाइंट एंड्स हैं एक्चुअली सर्वर को कनेक्ट करते हैं और वहाँ से जो भी डेटा है उसको एक्सेस करके यूज करते हैं। आप किसी भी लैपटॉप में आप देखेंगे एक छोटा सा पोर्ट रहता है साइड में, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, तो ये एक्चुअली NIC जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वाला जो बोर्ड है उससे अटैच्ड ये एक्चुअली पोर्ट रहता है, और इसी पोर्ट के थ्रू हम जो अपना नेटवर्किंग केबल है उसको कनेक्ट करते हैं और फिर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाता है। नेक्स्ट जानते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो नेटवर्क्स हैं। ओवरऑल तीन टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, LAN, MAN, WAN। LAN एक्चुअली स्टैंड करता है लोकल एरिया नेटवर्क, या एक बिल्डिंग के अंदर आप समझ सकते हैं या एक स्कूल के अंदर का जो नेटवर्क है वो है LAN। नेक्स्ट है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आप समझ सकते हैं एक सिटी के अंदर बहुत सारे जो LAN हैं, लोकल एरिया नेटवर्क हैं, ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे तो ये MAN फॉर्म करेगा। और फाइनली हमारा होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, जो अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द कंटिनेंट जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो है WAN। आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, लोवेस्ट लेवल में होता है LAN, उसके ऊपर है MAN और हाईएस्ट ऑन द टॉप है WAN। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि किसी भी नेटवर्क पे क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट होते हैं। सर्वर कंपोनेंट सेंट्रली एक जगह रहता है और वह इंटरनेट के माध्यम से सारे क्लाइंट्स को डेटा और सारे जो भी इंस्ट्रक्शन से वो सब प्रोवाइड करता है। तो क्लाइंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो आपका लैपटॉप हो सकता है, वो आपका डेस्कटॉप हो सकता है, और सर्वर भी किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है। हो सकता है वो एक ईमेल वाला सर्वर हो सकता है वो एक प्रिंटर वाला सर्वर हो, वह किसी भी टाइप की सर्विस को होस्ट कर रहा हो सकता है। नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग का एक और ग्रुपिंग, और यह है इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। इंट्रानेट जो नेटवर्क होता है वह एक बिल्डिंग, एक स्कूल के अंदर का जो नेटवर्क है वो है आपका इंट्रानेट। एक्स्ट्रानेट में क्या होता है कि आपका जो इंट्रानेट का सेटअप है उसको रिमोटली आपका कोई यूजर, कोई एम्प्लॉय सिक्योर वे से उसको एक्सेस करने की ट्राई करता, तो ये होता है एक्स्ट्रानेट। और इंटरनेट होता है वर्ल्ड लेवल पे, सारे लोग कॉमनली इंटरनेट को यूज करते। नेक्स्ट जो कॉमन वर्ड है वह है डेटा ट्रांसफर। जब भी हम नेटवर्क में रहते हैं, चाहे वह LAN हो, चाहे MAN हो, चाहे WAN हो, हम लोग हमेशा क्लाइंट से सर्वर को एक्सेस करते वक्त हम या तो अपलोड करेंगे डेटा को या फिर हम डाउनलोड करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, अगर आप इंटरनेट से कोई डेटा अगर आप अपने कंप्यूटर में या अपने डिवाइस में ले रहे हो तो आप एक्चुअली उसमें डेटा डाउनलोड कर रहे होते हैं। सिमिलरली अगर आप अपने डिवाइस से, अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से अगर आप कोई अगर इंटरनेट पे अगर आप डेटा सेंड करते हैं तो वो है आपका अपलोड। फॉर एग्जांपल आप कोई भी, कई बार आप क्या होता है कोई म्यूजिक डाउनलोड करते हैं, कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं, राइट। तो एक्चुअली वो क्या होता है, जो सेंट्रल सर्वर है इंटरनेट में आप वहाँ से उस डेटा को ले रहे हो। ऑन द अदर हैंड जब आप अपने वीडियोज़ बनाते हो, अपने क्लिप्स बनाते हो, आप फेसबुक में, यूट्यूब में, हर जगह उसको अपलोड करते हैं, तो आपका डेटा आपके कंप्यूटर से जो इंटरनेट में जो सेंट्रल जो सर्वर है उस सर्वर में जा रहा है। यहाँ पर इसीलिए डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना आपका डेटा ट्रांसफ़र रेट हायर होगा उतना फास्ट आपका अपलोड या डाउनलोड होगा। आशा करता हूँ आपको सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आप तक मेरे इस प्रकार के वीडियो आते रहें।